सत श्री अकाल जी। आज मैं बना रही हूँ मसाला डोसा एंड उत्तपा की रेसिपी। घर का बनाया डोसा, जिसके लिए मैंने 3 नाप चावल, 1 नाप उड़द दाल ले ली है। इसमें हम मोटे चावल यूज़ करेंगे, धोकर भिगो कर रात भर रख देंगे इसे। चावल को हमने मिक्सर में ग्राइंड करके ले लिया है। अब 1 पिंच सोडा, बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक डाल के हम इसे रात भर भिगो के रख देंगे। एक कप बैटर में मैंने 1/2 कप पानी डाल के पतला कर लिया है। मसाला डोसा के आलू बनाने के लिए मैंने 3 आलू बॉईल करके काट के ले लिए हैं। 1 प्याज लंबा काट लिया है, थोड़ा कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्ची बारीक काट के ले लिए, हरा धनिया, नमक, हल्दी, मेथी, जीरा और तेल। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने पर जीरा 1 टीस्पून, जीरा पकने पर 1/4 टीस्पून मेथी, 1 हरी मिर्ची, 1 प्याज, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टमाटर काटे हुए डाल देंगे। पोटैटोस को हल्का सा हम स्मैश कर देंगे। पोटैटोस को हमने स्मैश कर दिया है। ऊपर से धनिया, ये हमारे मसाला डोसा के आलू रेडी हो गए हैं। वन फोर्थ टीस्पून तेल डाल के कपड़े से साफ कर लेंगे।
हल्का सा तेल डाल के अभी हम बनाएंगे उत्तपम की रेसिपी। उत्तपम बनाने के लिए हम नॉर्मल बैटर यूज करेंगे, पानी वाला बैटर नहीं यूज करेंगे। इसके ऊपर हल्का सा तेल डाल देंगे। हरी मिर्ची, एक पिंच लाल मिर्च पाउडर, बटर डाल देंगे इसमें।